नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी का स्पीड न्यूज प्रोग्राम सुबह सवेरे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4,400 के पार। प्रधानमंत्री सहित केंद्र के सभी मंत्रियों और सांसदों ने एक साल तक वेतन का 30% नहीं लेने का किया फैसला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी की अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की पेशकश। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले पुरुषों में पाए गए। संयुक्त सचिव के अनुसार अभी तक 76% पुरुष संक्रमित पाए गए, जबकि 24% महिलाओं में संक्रमण की हुई पुष्टि। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के कोरोना का कहर जारी। अमेरिकी सर्जन जनरल ने कहा, कोरोना वायरस देश पर दूसरे पर्ल हार्बर हमले जैसा। मौतों की संख्या और बढ़ेगी, इसके लिए तैयार रहें। ऑक्सीजन लगने के बावजूद हॉस्पिटल से काम कर रहे बोरिस जॉनसन। सांसद बोले, पीएम अपना काम हैंडओवर करें, चर्चिल ना बने। जॉनसन को पॉजिटिव पाए जाने के 10 दिन बाद कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बरेली में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को रोकने गई पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। आईपीएस अफसर समेत कई पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर काबू की स्थिति, कई उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय गुरुकुल रीवा, एफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन LKG टू क्लास 11। अब दिल्ली, कोटा, इंदौर जाने की जरूरत नहीं। स्कूल की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी IIT, JEE, NEET, CPT, CLAT, NTSC, NDA। स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाएं, बच्चों का सर्वांगीण विकास। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग AC हॉस्टल। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरा रोड, चोरहटा, रीवा। संपर्क करें 7024892222। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए जमाती स्वास्थ्य कर्मियों से बदतमीजी पर उतरे जमाती मरीज। कानपुर में डॉक्टरों पर थूका, फिरोजाबाद में नियम तोड़कर पढ़ी नमाज, मेरठ में की स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ रहे कोरोना पेशेंट, 20 जमातियों समेत 60 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों में 5 पुलिसकर्मी, 14 स्वास्थ्य विभाग के अफसर, कर्मचारी, एक रेलवे गार्ड और सब्जी व्यापारी पिता पुत्री भी शामिल। मध्य प्रदेश से भी सामने आई जमातियों की बदतमीजी। ग्वालियर में क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने डॉक्टर पर थूका। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई राहत भरी खबर, 3 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, कहा हिम्मत नहीं हारना चाहिए, डॉक्टरों को दोस्त बना लो, बीमारी भाग जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा की जनता ने पुष्प वर्षा कर किया पुलिस के पैदल मार्च का स्वागत। आपदा के समय दिन रात मेहनत करने वाले पुलिसकर्मियों का बढ़ाया मनोबल। प्रधानमंत्री के आह्वान पर रविवार लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, साथ ही पुलिस के पैदल मार्च का लोगों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने सतना पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बीते 24 घंटों में पुलिस ने जब्त किए 1,000 वाहन। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले 50 लोगों पर दर्ज की गई FIR। सतना पुलिस अधीक्षक ने लोगों से की बेवजह सड़कों पर ना घूमने की अपील। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ से आई अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और संक्रमित ठीक होकर घर लौटा। अब तक 10 पॉजिटिव में से 9 हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, कोरोना हारेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से जंग जीत चुके युवक ने कहा, जिस सूट में एक मिनट रह पाना मुश्किल है, उसे पहनकर डॉक्टर 12 घंटे काम कर रहे हैं। लोगों से की घर में रहकर सुरक्षित रहने की अपील। कोरोना संक्रमण रोकने में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में। अब सरकारी राशन दुकानों से सैनिटाइजर और मास्क भी बेचे जाएंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा, 15 दिन और सतर्कता बरतने की जरूरत। अब होम क्वारंटाइन में रहने वालों पर पुलिस की रहेगी नजर। घर से निकले तो ऐप से लोकेशन ट्रेस करेगी पुलिस। इस तरह निगरानी की व्यवस्था लागू करने वाला जांजगीर बना छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला जिला। गुड मॉर्निंग टीवी के स्पीड न्यूज प्रोग्राम सुबह सवेरे में आज इतना ही, लेकिन आपसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद की, अपने परिवार की और पूरे समाज की रक्षा करने में अपना योगदान दें। घर पर ही रहें और शासन के निर्देशों का पालन करें। नमस्कार।